हेलो और वेलकम टू अनकंडीशनल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनकंडीशनल पॉइंट। गाइस एक और पेलेटर ऐप आपके लिए आपका भाई लेकर आ चुका है, जहां पर आपको मिलती है 10,000 रुपये तक की लिमिट, जिसको आप किसी भी UPI QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। कैसे आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूले, थोड़ा सपोर्ट कर दो, आपके भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद आपको उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर जाने के बाद आपको यहां पर एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है क्रेडिट पे, देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्कैन एंड पे प्लस लोन। आप यहां पर जो लोन लेते हैं उसको आप स्कैन एंड पे करके पेमेंट कर सकते हैं, यानी किसी भी UPI QR कोड पे स्कैन करके पेमेंट आप यहां पर कर पाएंगे। इनका जो पार्टनर स्टोर है गाइस यहां पर आ सकती है, ये अलग अलग पार्टनर स्टोर है जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। 15,347 से ज्यादा ऐसे इनके कस्टमर हो चुके हैं जो यहां से लोन ले चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, ठीक है। पूरी तरीके से सिक्योर है गाइस, ज्यादा से किसी पर स्क्रीन पर फास्ट अप्रूवल आपको मिलता है विद डिजी लॉकर, यानी डिजी लॉकर से आपकी यहां KYC होने वाली है। नया सिस्टम अभी आ चुका है KYC करने का, डिजी लॉकर से अब आप KYC कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, ठीक है। और गाइस जो इसका दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के अंदर आपको यहां पर क्रेडिट लाइन मिल जाएगी। मान लीजिए आपको यहां पर 10,000 रुपये क्रेडिट लाइन मिली है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो आप यहां से अपनी मर्जी से पैसे निकाल सकते हैं किसी भी UPI QR कोड को स्कैन करके, क्रेडिट लाइन आपको यहाँ मिलती है, ठीक है। और आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ ना, फ्रॉड कंपनी के ऊपर वीडियो नहीं ला रहा हूँ, अच्छी कंपनी के ऊपर ले रहा हूँ वीडियो। और ये कंपनियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि आप इनसे पैसे निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर बिना ब्याज के, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज लगता होगा आई थिंक, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा अभी फिलहाल, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लिमिट मिलती है तो लास्ट में आपको यहाँ पर केवल सेटअप करना होगा अपना ऑटो पे को, ताकि आप जो भी यूज़ करें वो पैसे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटते चल जाए। देखिए गाइज यहाँ पर क्या है कि स्कैन एंड पे एनीवेयर, आप कहीं पर भी है, मान लीजिए आप सब्जी ले रही हैं, वहाँ पर QR कोड इस तरह का रखा है, तो आप उस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर ये बड़े फायदे की एप्लीकेशन होने वाली है। गाइज अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको यहाँ बताऊँ, देखिए मैक्सिमम लिमिट आपको मिलती है 10,000 रुपये तक की, यानी आपको यहाँ पर 10,000 रुपये तक की लिमिट मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको बस छोटा सा सिंपल सा काम करना होता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड से KYC, पैन कार्ड की फोटो, आपकी सेल्फी अपलोड करनी होती है, और आपको यहाँ पर तुरंत लिमिट मिल जाती है। देखिए गाइज यहाँ पर स्कैन एंड पे करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर फीचर्स की बात करूँ, बैंक ट्रांसफर कर पाएंगे, और जीरो इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट लाइन अप्रूवल पर, लो इंटरेस्ट रेट लगेगा अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं। 10,000 तक की लिमिट आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है, यानी इंटरेस्ट तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत देना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो आपको गाइस यहाँ पर क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ ऐसा, जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गाइस अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये जो कंपनी है गाइस, इस कंपनी ने टाई अप किया है स्टेस्फिन एप्लीकेशन के साथ में। नीचे अगर आप देखेंगे अभी सबसे नीचे यहाँ पर स्टेस्फिन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर स्टेस्फिन कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। नीचे देख सकते हो कि लिक्वी लोन कंपनी, ये दो कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक है स्टेस्फिन और दूसरी है लिक्वी लोन, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊँ, देखिए आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, इंटरफेस आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद में, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आपको 10,000 तक की मैक्सिमम लिमिट मिल सकती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, KYC करनी होगी, सेल्फी अपलोड करनी होगी, लोन के लिए ऑफर मिलेगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी डिटेल फिल करनी होगी, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर चूज करना है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, अल्टरनेट फोन नंबर, आप मोबाइल नंबर आपको डालना है, रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे, और आपने इसको सबमिट करना होगा, ठीक है। डिटेल आपको सही तरीके से फिल करनी है। जब आपको सबमिट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस हो आपके आधार कार्ड के अंदर हो वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा और सबमिट करना होगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दिया और चलिए इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। और सबमिट करने के बाद गाइज जो इसका दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के अंदर आपको कंपनी डिटेल देनी होगी, एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको चूज करना है, सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है, आपकी मंथली इनकम जो आपको मिलती है वो आपको बतानी होगी, उसके बाद मंथली एक्सपेंस कितना खर्च कर देते हैं आप एक महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 4,000, 2,000 कितना खर्चा है आपको, आपको यहाँ पर डालना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। गाइज जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप सबमिट पर क्लिक करने के बाद
डिजी लॉकर से आपको यहाँ पर केवाईसी करनी होगी, यानी अपने आधार कार्ड से केवाईसी करनी होगी डिजी लॉकर को यूज़ करके। आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, एक बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आई, ओटीपी डालनी है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएंगी डिजी लॉकर के जरिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद गाइस आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपने अलाउ करना जितनी बार भी अलाउ करने के लिए बोला यहाँ पर, और अलाउ इसलिए करना होता है कि डिजी लॉकर आपसे परमिशन मांगता है कि भाई हम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है दे रहे हैं इस कंपनी को, तो हमें इसको अलाउ करना होता है। रिडायरेक्टिंग आपको कर देगा ये वापस से एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद गाइस ये बोले कि प्लीज़ वेट, आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ से वापस नहीं करना होता है, बैक नहीं करना होता है। और गाइस अब आपको यहाँ पर केवाईसी करनी होगी तीसरे स्टेप के अंदर, देख सकते हैं ये तीसरा स्टेप है। यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, आधार कार्ड की हमारी केवाईसी पहले हो चुकी है, पैन कार्ड की फोटो ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे आपने क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइज आपको एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, और जैसे आप यहाँ पर सेल्फी अपलोड करेंगे, सेल्फी अपलोड करने के बाद में आपने इसको सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद एक ओटीपी आपके पास आएगी, ओटीपी डालनी है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना होगा। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, यानी ये तीसरा स्टेप है। तो हमने यहाँ पर ओटीपी डाल दी, ओटीपी डालने के बाद हमारा सिविल स्कोर हमारे सामने आएगा, यानी हमारा सिविल स्कोर देखेगा 878 यहाँ पर सिविल स्कोर है एक्सपीरियन में। कंटिन्यू आपको करने के लिए बोलेगा कि भाई आपका सिविल स्कोर तो अच्छा है, कंटिन्यू कर लीजिए। और जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे गाइस, कंटिन्यू करने के बाद हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, और यहाँ पर बोलती है कि भाई आप जो है 1 से 2 दिन का टाइम हमें दीजिए, हम आपको जल्दी बताएंगे अगर आपको अप्रूवल मिलता है। तो गाइस अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इंतजार करना होगा 2 दिन का। ठीक है, 2 दिन बाद हमें पता चल जाएगा हमें यहाँ पर लिमिट मिली है नहीं मिली है। अगर लिमिट मिली है उसको आप हम जो है किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको यहाँ बताऊंगा मुझे लिमिट मिली है या नहीं मिली है। अगर मुझे लिमिट मिलेगी गाइस तो मैं उस लिमिट को यूज भी करके दिखाऊंगा यूपीआई क्यूआर कोड में, जैसे कि आप देखते हैं मेरी दूसरी वीडियो के अंदर। तो फिलहाल आपने देखा कैसे आप क्रेडिट पे के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, आपको लिमिट मिलती है तो उसको आप कैसे क्यूआर कोड पे यूज कर पाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही।